हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबी। आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार आप एमपी में यह कोर्स जो है दोस्तों, बीपीटी जो कोर्स है दोस्तों, उसको किस प्रकार एमपी मध्य प्रदेश में आप फ्री में कर सकते हो। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स इसमें कवर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। यह कोर्स जो है दोस्तों, बीपीटी जो है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यह कोर्स मध्य प्रदेश शासन की तरफ से फ्री कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। स्कॉलरशिप बेस पर यह कोर्स होता है, ठीक है दोस्तों। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों, आप क्या है, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। आप इस कोर्स को करने के बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन जाते हो। यह एक ग्रेजुएशन वाला पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है दोस्तों। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है दोस्तों। भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद, मतलब साइंस जो होता है, बायोलॉजी के साथ 12वीं पास करने के बाद वह डॉक्टर बनने का सपना देखता है, ठीक है दोस्तों। 12वीं जैसे निकलता है वह डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन हर किसी स्टूडेंट का MBBS करने का सपना पूरा नहीं हो पाता है कारणवश। मगर ऐसे स्टूडेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास MBBS करने के लिए लाखों रुपए नहीं है, वह डॉक्टर बनना चाहते हैं मगर बन नहीं पाते हैं, उनके लिए यह कोर्स एकदम फ्री कोर्स है, ठीक है दोस्तों। यह कोर्स एकदम फ्री कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। आप इस कोर्स को करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन जाते हो, नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। यह कोर्स जो होता है दोस्तों, 4 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप होती है। बात करेंगे दोस्तों कि बीपीटी कोर्स क्या है, ठीक है दोस्तों। जानेंगे कि बीपीटी कोर्स क्या है। तो बीपीटी कोर्स एक दोस्तों पैरामेडिकल कोर्स होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से सिखाया और पढ़ाया जाता है। यह एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है। इसका संबंध ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से होता है। इसमें सिखाया जाता है कि बॉडी मूवमेंट से जुड़ी परेशानियों को कैसे ठीक करते हैं, किस प्रकार से ठीक किया जाता है। मूवमेंट से जुड़ी परेशानियों का मतलब है दोस्तों, अर्थ है कि ऐसी दिक्कतें जिनमें व्यक्ति को चलने फिरने में क्या होती है, दिक्कत महसूस होती है, दर्द होता है और परेशानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मशीनों को थ्रू इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। बीपीटी कोर्स में ऐसी तकनीकें सिखाई जाती है जिनके द्वारा व्यक्ति को बिना किसी दवाई या फिर गोली के, केवल एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब कि दोस्तों, किसी को पैरालिसिस हुआ है, वह आसानी से चल नहीं पाता है, तो मशीन के थ्रू दोस्तों उस मसल्स को वर्क सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मूवमेंट सिखाया जाता है फिजियोथेरेपी में। इस कोर्स में आपको मशीनों के जरिए कैसे ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है वह सिखाया जाता है। इसमें आप मशीनों की सहायता से मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करेंगे तो दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं पास किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। कोर्स की फीस की बात करेंगे दोस्तों, इस कोर्स की फीस अलग अलग स्टेट में और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस हो सकती है। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो मध्य प्रदेश में इस कोर्स की फ़ीस जो होती है दोस्तों, 50 से 60 हज़ार रुपये साल लग सकती है, ठीक है दोस्तों। इस कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सरकारी मेडिकल जो कॉलेज होते हैं, उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, परसेंट के आधार पर, ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में इस कोर्स के लिए प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स बेस पर, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, आपको वहां पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इस कोर्स के लिए। यह कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह बीपीटी जो कोर्स है दोस्तों, वह कौन कौन कर सकते हैं। तो यह कोर्स दोस्तों सिर्फ बायोलॉजी 12th पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
करेंगे दोस्तों एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए आपकी, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों फ्री कोर्स यह किस प्रकार से होगा। तो किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश में इस कोर्स को फ्री में कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें क्या होता है, ट्वेल्थ बायोलॉजी पास करने के बाद आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर इस कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब फॉर्म खुलता है, जब लिस्ट टंगती है स्टूडेंट की, किसको एडमिशन मिला है किसको नहीं, यदि आपका नाम मेरिट सूची में परसेंटेज के आधार पर आता है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा सरकारी कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या है दोस्तों, स्कॉलरशिप फॉर्म निकलता है, उसको भरने के बाद आपके अकाउंट में इस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप आ जाती है। इस स्कॉलरशिप को आप क्या है दोस्तों, कॉलेज में जमा कर सकते हो, या पहले आप अपने पास से कॉलेज में फीस जमा कर दीजिए, उसके बाद क्या है दोस्तों स्कॉलरशिप आएगी, आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह कोर्स आप सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज की बात करेंगे दोस्तों कि आप प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो और किस प्रकार से यह कोर्स फ्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ट्वेल्थ बायोलॉजी पास करने के बाद आप डायरेक्ट पैरामेडिकल जो कॉलेज है दोस्तों वहां पर जाकर आप क्या है एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन मिलने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या है दोस्तों, स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन निकलता है। ठीक है दोस्तों, उस फॉर्म को भरने के बाद आपके बैंक अकाउंट में इस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप आती है, उस स्कॉलरशिप को निकालकर या फिर कॉलेज अपने पास उस स्कॉलरशिप को रख लेता है और आपकी स्टडी कराता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह कोर्स क्या होता है दोस्तों, फ्री होगा, एक प्रकार से स्कॉलरशिप बेस पे होगा। अब बात करेंगे दोस्तों स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मेन विषय है दोस्तों इसमें कि स्कॉलरशिप कितनी आती है और किसको किसको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो स्कॉलरशिप एससी एसटी और ओबीसी के लिए ही आती है। ठीक है दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट स्कॉलरशिप बेस पर स्टडी यह कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए जितनी फीस होती है उतनी ही उसकी स्कॉलरशिप भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, एससी और एसटी ओबीसी स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश में इस कोर्स को करने के लिए स्कॉलरशिप आती है। पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑनलाइन फिल होता है, या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले सर कॉलेज में ही होते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जिले के कलेक्टेड ऑफिस में भी जाकर जमा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यह ऑनलाइन फिल होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, उसको लेकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज में जमा कर सकते हो, या फिर जो कलेक्टेड ऑफिस है वहाँ पर जाके आप जमा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार कोर्स कराने के लिए पैरामेडिकल कॉलेज को प्रत्येक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कि पैरामेडिकल जो होते हैं वो अपने पास उस फीस को रख लेते हैं और स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, उस स्कॉलरशिप पर सिर्फ क्या है दोस्तों, पैरामेडिकल कॉलेज का ही अधिकार होता है, मतलब कि आपकी स्कॉलरशिप कॉलेज वाले अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ले लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप आने के बाद उनको फीस देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एससी एसटी और ओबीसी के लिए ही आती है, जनरल कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप नहीं आती है। वह फीस देकर प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें डबल स्कॉलरशिप भी आती है, मतलब कि आप इस कोर्स को कर रहे हो तो आवास स्कॉलरशिप भी एक स्कॉलरशिप होती है। मध्य प्रदेश में इस कोर्स को करने के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ, एक स्कॉलरशिप आपको पढ़ाई करने के लिए दी जाती है और दूसरी स्कॉलरशिप जो होती है दोस्तों आपको रहने के लिए दी जाती है, मतलब कि आप रूम रेंट या फिर आवास स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, यह आवास स्कॉलरशिप एससी और एसटी स्टूडेंट को ही दी जाती है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप इस कोर्स को करने के लिए यदि जा रहे हो तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको वहां पर रूम रेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पैतृक आपका मकान नहीं है वहां, आप दूसरे ज़िले में रूम से रहकर पढ़ाई करते हो, आप
जिस रूम में किराए से रहते हो उस मालिक जो है मकान मालिक का आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आप जिस सरकारी मेडिकल कॉलेज में या फिर प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आवास स्कॉलरशिप का फॉर्म मिल जाएगा या किसी भी फोटोकॉपी या फिर जो कलेक्टेड ऑफिस है वहाँ पर आपको यह फॉर्म स्कॉलरशिप आवास स्कॉलरशिप वाला फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आवास स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, रूम मालिक का आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी साइन आपको होना चाहिए फॉर्म पे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, जाति कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, कॉलेज की जो सील साइन है वो होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एफिडेविट स्टाम्प पर क्या है दोस्तों नोटरी किया हुआ एक अनुबंध होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों उसकी फोटोकॉपी लगेगी और अनुबंध जो है नोटरी वाला वो ओरिजिनल लगेगा, ठीक है दोस्तों। यह आवास का जो फॉर्म है उसको सबमिट करने के बाद दोस्तों कलेक्ट्रेट की तरफ से टीम आती है, अधिकारी आते हैं तो वहाँ पर आपको देखते हैं कि आप वाकई में रह रहे हो या नहीं रह रहे हो रूम से। तो वहाँ पे क्या है आपके मालिक जो रूम मालिक है उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका रूम देखेंगे, वेरिफिकेशन करने आएंगे, ठीक है दोस्तों। वेरिफिकेशन करने के बाद आपके अकाउंट में रूम रेंट की स्कॉलरशिप आती है, ठीक है दोस्तों। मतलब आप दोस्तों यह कोर्स जो क्या है 4 साल का कोर्स है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आप 4 साल पढ़ाई करते हो तो 4 साल पढ़ाई करने के लिए आपको क्या है दोस्तों रूम से रह रहे हो आप तो रूम रेंट आपको 2000 रुपये पर ईयर मिलता है, ठीक है दोस्तों। मतलब 12 मंथ जो होते हैं 12 मंथ के हिसाब से आपको दोस्तों 24000 रुपये पर ईयर आवास स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या है दोस्तों 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है स्कॉलरशिप और पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, कोर्स के लिए स्कॉलरशिप आपको अलग मिलती है और आवास की स्कॉलरशिप अलग मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो जो कोर्स की स्कॉलरशिप होती है दोस्तों वो आपको कॉलेज को देना होता है या फिर कॉलेज अपने अकाउंट में ही डायरेक्ट ले लेता है। जो आपको रूम रेंट आवास की स्कॉलरशिप आती है दोस्तों वो आपको अपने पास रखना है, कॉलेज को नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। उसमें कॉलेज का अधिकार नहीं होता है। यदि कोई कॉलेज मांगता है स्कॉलरशिप दे दो रूम रेंट या फिर कोई बोलता है कि वो भी देना पड़ेगा तो आप दोस्तों डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में जाके आवेदन दे सकते हो, कॉलेज के खिलाफ आप क्या है शिकायत कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टिप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब आप पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको क्या है पैरामेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है जो एडमिशन करा रहा है उनसे डायरेक्ट बात करना है क्या यह बीपीटी कोर्स जो है वह स्कॉलरशिप बेस पे होता है या नहीं होता है। यदि वो बोलेंगे दोस्तों आपको कि यह कोर्स स्कॉलरशिप बेस पर है, आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है, स्कॉलरशिप बेस पे सारा कोर्स होगा तो आपको एडमिशन लेना है, ठीक है दोस्तों। कॉलेज दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन फीस कुछ ले सकता है 1000-1500 रुपये, ठीक है दोस्तों, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कॉलेज की जो फीस है दोस्तों वो आपको नहीं देना है, वो स्कॉलरशिप बेस पर होती है, मध्य प्रदेश की शासन उसके लिए स्कॉलरशिप देती है। इस प्रकार से आप फ्री कोर्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एडमिशन लेने के बाद आप क्या है दोस्तों किसी और कोर्स को नहीं कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है, मतलब कि अन्य कोर्स को नहीं कर सकते क्योंकि इस कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है मध्य प्रदेश की शासन की तरफ से। 4 साल का कोर्स है दोस्तों तो 4 साल आपको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी और आपका कोर्स बीपीटी कोर्स जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स को दोस्तों आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, स्कॉलरशिप बेस पे कर सकते हो। इस प्रकार आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप इस कोर्स को स्कॉलरशिप बेस पर कर सकते हो। यह संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इस कोर्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।